वाशबेसन की टाइल या फिर आपके घर में कहीं पे भी लगी हुई टाइल है, आप चाहते ज़िंदगी में भी ख़राब ना हो, हमेशा शाइनिंग में रहे, तो ये जो केमिकल आप देख रहे हैं बिसलेरी का खाली बोतल में, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये वाशबेसन गंदा नहीं है, कमेंट ना करें कि ये तो साफ़ है, क्योंकि साफ़ सुथरा ही रहता है। आपको हमेशा अगर चाहते कि आपके घर की वाशबेसन या किचन की टाइल, बाथरूम की टाइल हमेशा शाइनिंग में रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। छोटा सा टुकड़ा है ये, देखिए इस तरीके से स्क्रब से आप इसका स्प्रे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी लें, एक ढक्कन मिक्स कर लें इस तरीके से। देखिए परफ्यूमेड क्लीनर है, जितनी भी गंदी स्मेल होती है ना उसको ख़त्म करने के साथ साथ जितने भी बाथरूम किचन में मक्खी मच्छर कॉकरोच वगैरह होते हैं ना उनको भी साथ ही दूर रखता है। इस तरीके से एक स्क्रब ले लेना है और इस तरीके से रगड़ना है, ठीक है। स्टील का या लोहे का जूना कभी भी ना लें, वो स्क्रैच लाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ये लाइजोल केमिकल है जो कि आपको किराना स्टोर पर आसानी से ये मिल जाएगा। परफ्यूमिड क्लीनर इस तरीके से रगड़ेंगे, जीवन में भी ख़राब नहीं होने वाली है। ये शाइनिंग लाने वाला क्लीनर है। हार्पिक एसिड से बचें, उस चीज़ को ज़्यादा यूज ना करें। देखिए इस तरीके से रगड़ना है और आप शाइनिंग देख करके आप कहेंगे कितना बेहतरीन तरीका बताया है। हालाँकि इतना गंदा नहीं था, केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में। देखिए इस तरीके से रगड़ना है, बेहतरीन और लाजवाब ये केमिकल है। देखिए इस तरीके से वॉशिंग करेंगे, बेहतरीन तरीके से देखिए चमक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप हमेशा अपने घर की बाथरूम किचन की टाइल को हमेशा शाइनिंग में रख सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा ख़तरनाक गंदे दाग को नहीं छुटाता है, केवल धूल मिट्टी चिपचिपे जैसे दाग को छुटाता है। ये चुम्बक की तरह खींच करके अलग कर देता है जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी होती है, शाइनिंग लाता है टाइल पर। ये लाइजोल केमिकल है, किराना स्टोर से ला सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।